संसद में रफाल डील के मुद्दे को लेकर नोटिस का खेल चल रहा है। जहां बीजेपी राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन नोटिस के इस खेल में अब आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी भी शामिल हो गई। विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर टीडीपी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि टीडीपी आंध्र के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आएगी। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया। बजट सत्र में संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरा। सरकार तब भी नहीं मानी तो एनडीए से नाता भी तोड़ा। लेकिन नाक की लड़ाई में मोदी सरकार झुकने को तैयार नहीं हुई। मगर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार के सामने संकट खड़ा कर दिया। भले ही अविश्वास प्रस्ताव से सरकार का कुछ ना बिगड़ा हो, लेकिन अब टीडीपी ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी टीडीपी के सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने को कहा है। नायडू ने कहा कि केंद्र आंध्र के लिए किए गए 90% वादों को पूरा करने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो हम जानते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आए। नायडू के इस बयान के बाद टीडीपी के सांसदों ने संसद परिसर के अंदर और बाहर जमकर प्रदर्शन किया। जहां कुछ सांसद परिसर में हाथों में तख्तियां लेकर हल्ला बोल रहे थे, तो वहीं लोकसभा के अंदर कुछ नेताओं ने वेल में जाकर हल्ला बोला। सांसदों का कहना है कि हम जल्द ही प्रस्ताव लाएंगे। आपको बता दें कि देश में विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, ताकि वो प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके। जब सदन में इन विशेषाधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य किया जाता है, तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं। कोई भी सदस्य इसकी शिकायत स्पीकर से कर सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।